इंडियन गवर्नमेंट बैन करने वाली है 12,000 या फिर 12,000 से कम कीमत पर आने वाले चाइनीज स्मार्टफोन्स इंडिया के अंदर, जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, इन जैसी कंपनियां। बट एक और रिपोर्ट आई जो कह रही है कि बैन नहीं होने वाले हैं। बट अगर बैन हो गए तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा, और इंडियन गवर्नमेंट क्यों बैन करना चाहती है, और क्या इंडियन गवर्नमेंट सच में बैन कर देगी 12,000 रुपए से कम कीमत पर आने वाले चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया के अंदर, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं क्या इंडियन गवर्नमेंट सच में बैन कर देगी 12,000 रुपए से कम कीमत पर आने वाले चाइनीज स्मार्टफोन। तो गाइस गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से नहीं आता, ऐसा मीडिया वालों ने छाप दिया था। अभी एक और मीडिया वालों ने छाप दिया है कि नहीं करने वाली है बैन, तो इस बात के चांस काफी ज्यादा कम थे कि इंडियन गवर्नमेंट बैन नहीं करने वाली है, और कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है तो इसके चांस बहुत ही कम है कि इंडियन गवर्नमेंट बैन करेगी। बट अब जानते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट बैन करेगी तो वो क्यों बैन करेगी, और इसका क्या रीजन हो सकता है, और उन्होंने क्या रीजन बताया था। अगर इंडियन गवर्नमेंट 12,000 रुपए से कम के चाइनीज स्मार्टफोन बैन करेगी, उसका रीजन होगा लोकल स्मार्टफोन कंपनी को प्रमोट करना, जैसे कि लावा और माइक्रोमैक्स और बाकी की जो इंडियन कंपनी है उनके स्मार्टफोन को प्रमोट करना। आजकल आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन, बट बहुत कम थे पहले, बट अभी कुछ आए हैं, बट वो भी इतने अच्छे नहीं है जिनको आप अच्छे से प्रमोट कर पाओ। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन बताया जा रहा था 12,000 रुपए से कम कीमत के चाइनीज स्मार्टफोन बैन होने का, तो यही एक काफी बड़ा रीजन था। अभी गवर्नमेंट ने BGMI और काफी सारी और एप्स को भी बैन किया था, इससे पहले काफी सारी और चाइनीज एप्स को भी बैन कर चुके हैं, तो ये भी एक रीजन बोला जा रहा था। और अब जानते हैं अगर गवर्नमेंट 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन्स को बैन कर दे चाइनीज वाले, तो इसका फायदा और नुकसान क्या होने वाला है। तो इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट हो सकता है, और वो इंडियन कंपनीज को हो सकता है। एक और बोला जा रहा है कि जियो का 5G स्मार्टफोन आने वाला है, और उसका प्राइस 12,000 रुपए के आसपास हो सकता है, तो गाइस इंडियन कंपनी को फायदा हो सकता है। बट गाइस क्या इंडियन कंपनी इस सिचुएशन के अंदर आ चुकी है कि उनको फायदा करवाया जाए या फिर बैन करने का बेनिफिट होगा, और क्या इसके डिसएडवांटेज होने वाले हैं अगर बैन हो जाए, तो गाइस अभी आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे इंडियन स्मार्टफोन, लावा के, माइक्रोमैक्स के, और भी कुछ और देखने को मिलेंगे। बट गाइस जो इंडियन कंपनी के फिलहाल जो स्मार्टफोन है वो इस कंडीशन पर नहीं आए हैं कि हम चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर दे, अभी भी उनके अंदर काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, काफी सारे वो आपको लिमिट के अंदर देखने को मिलेंगे, उनके अंदर अपडेट भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। आजकल यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी चल रही है, और आपको काफी सारे चाइनीज स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिनका रेट कम होता है, बट अगर उनको भी बैन कर दीजिएगा तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। गाइस उनके अंदर अपडेट नहीं आते हैं, थोड़ी बहुत उनकी सर्विस भी फिलहाल कमजोर है, अभी उनको टाइम लगने वाला है, कुछ समय के बाद इसके ऊपर सोचा जा सकता है, बट अगर फिलहाल बैन कर दोगे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसका विचार गवर्नमेंट को कुछ समय के बाद करना चाहिए, अभी इसके अंदर काफी टाइम और लगने वाला है इंडियन स्मार्टफोन कंपनी को ग्रो करने के अंदर। साथ ही में गाइस अगर इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन, तो यहाँ पर एक और दिक्कत हो जाएगी, स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे। तो एक ऐसा भी हो सकता है जो कि 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन है चाइनीज, उनके रेट को बढ़ा दिया जाए और वो बढ़े हुए रेट के ऊपर बेचे, तो ये भी एक दिक्कत हो जाएगी इंडियन कस्टमर्स के लिए। बट फिलहाल जो इंडियन कंपनी है वो इस सिचुएशन के अंदर नहीं है कि सभी की आवश्यकता को पूरी कर सके, और उनके अभी अपडेट भी नहीं आते हैं, काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। तो फिलहाल कुछ सालों के बाद इसके ऊपर विचार किया जा सकता है जब अच्छे से इंडियन कंपनी ग्रो कर ले, बट फिलहाल उनको कंपटीशन करना ही चाहिए। सो लास्ट में जानते हैं क्या बैन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो गाइस बैन नहीं होने वाले हैं, गवर्नमेंट की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है फिलहाल, बट शायद आने वाले टाइम में कुछ एक्शन हो सकता है, क्योंकि गाइस काफी सारी एप्स को भी बैन किया गया था, चाइना का भी पंगा चलता रहता है इंडिया के साथ, आने वाले समय के अंदर पता लगने वाला है, बट फिलहाल तो चांस कम है। अभी अगर बैन कर दिए तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है। सो गाइस इंडियन गवर्नमेंट नहीं बैन करने वाली है फिलहाल, तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो इसके चांस भी काफी ज्यादा कम है। इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से ड्रोन मंगवाने के ऊपर भी बैन लगाया था, बट इंडिया के अंदर अब काफी सारी ड्रोन कंपनियां हैं, इसका बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है। 2030 तक इंडिया के अंदर काफी सारी ड्रोन्स की कंपनियां होंगी जिसका बेनिफिट इंडिया को मिलने वाला है, वो सब मेड इन इंडिया ड्रोन्स होने वाले हैं। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।